पहला सवाल, आपको T20 क्रिकेट में आपने डेब्यू किया, आपके पिछले कुछ महीने बहुत अच्छे रहे, वनडे क्रिकेट में भी यहाँ पर आपने डेब्यू किया, पर्सनली किस तरह से देखते हैं इस न्यूजीलैंड टूर को आप? पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है कि वनडे में भी डेब्यू किया, और जैसे हर एक यंगस्टर का यही एम होता है कि जब शुरू खेल करता है खेलना कि इंडिया को रिप्रेजेंट करना है और अच्छा करना है उसके लिए, तो यही कोशिश है मेरी भी कि आगे जहाँ भी जब भी मौका मिले अच्छा करूँ, रिप्रेजेंट करूँ जब भी इंडिया को और अच्छा परफॉर्म करूँ, टीम को जिताऊँ। जैसे आपके जो अभी तक की जो जर्नी रही है काफ़ी चैलेंजिंग रही है, और राहुल द्रविड़ से वर्ल्ड कप के दौरान पूछा गया था कि भाई आपके पास बुमराह नहीं है, और उसके बाद आपने सोचा होगा कि आपको रिप्लेस हर्षदीप के बारे में उन्होंने बोला कि अगर एक साल पहले मुझे शायद किसी ने कहा होता कि भाई वर्ल्ड कप में मेरा पहला बॉलर ये होगा तो मुझे यकीन नहीं था। ऐसी बातें आप सुनते हैं या सीनियर से तो किस तरह से देखते हैं कि सडनली इंडियन टीम में एक एक स्पॉट के लिए इतना कॉम्पिटिशन है, वहाँ पर आना नॉट ओनली आके अपने को स्टैब्लिश करना, ये कितना ईजी है कितना मुश्किल रहा? क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा ये तो बड़ा आसान रहा हर्षदीप। इजी मुश्किल एज अ प्लेयर ऐसा कुछ सोचता नहीं है प्लेयर, क्योंकि यूजुअली क्या होता है हम अपनी गेम को बहुत प्यार करते हैं और अपने टाइम को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसी में साथ में जब टीम के लिए अच्छा खेलते जाते हैं आप तो इतना सोचते नहीं है कि मुश्किल है इजी है हमारे लिए, आप उस मोमेंट को सिर्फ एंजॉय करने की कोशिश करते हैं, और उसमें आप जब अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं तो और अच्छा लगता है आपको, लेकिन ऐसा कुछ पक्का नहीं होता कि आपने सोचा होता है कि मैं मेन बॉलर बनना चाहता हूँ या फिर एक साल बाद मैं अपने आप को यहाँ देखना चाहता हूँ। ज़्यादातर यही होता है कि जैसे आज मेरा मैच है या फिर कल मेरा मैच है तो उस पर बंदा ज़्यादा फोकस करता है और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करते हैं, उससे ज़्यादा फायदा मिलता है एज अ प्लेयर और एज अ टीम भी। वनडे क्रिकेट डिफरेंट है T20 से आपके लिए पर्सनली एज अ बॉलर? एज अ बॉलर ऐसा कुछ खास सोचा नहीं है मैंने, कुछ डिफरेंस है इसमें मेनली जैसे मेरा वे है बॉलिंग का, थोड़ा अटैक करता हूँ स्टार्टिंग में, लास्ट में डिफेंसिव डालता हूँ, तो मेनली यही पर्पस इसमें भी सेम रहता है कि स्टार्टिंग में विकेट लेके दे टीम के लिए, वही T20 में भी होता है, और लास्ट में टीम के लिए रन रोकने हैं, तो मेनली ऐसा कुछ सोचा नहीं है मैंने कि कोई डिफरेंट लग रहा है या फिर कोई डिफरेंस होगा, यही है कि जहाँ पे भी टीम मौका देगी बॉलिंग डालने का वहाँ पे अच्छा करूँ। एक सवाल थोड़ा हट कर है हर्षदीप, आपको मैंने देखा 6 महीने से आप जिस तरह से टीम के साथ, एशिया कप के दौरान एक घटना हुई आपने उसको किस तरह से हैंडल किया, लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंटली जिस तरह से आपको प्यार मिला है इंडिया के बाहर, आपका फैंडम है, आपके नाम की टी शर्ट लोग पहन के आते हैं, आपके लिए नाम लेकर हैं, दो एक्सट्रीम आपने देखे हैं, आपने कैसे डील किया है? डील जैसे पहले बताया कि हम तो जैसे बहुत प्यार करते हैं क्रिकेट को और हम इंजॉय करते हैं अपनी गेम को, क्योंकि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं वही खेलने का हमें मौका मिल रहा है प्रोफेशनली, तो काफ़ी अच्छा लगता है वो करते हुए। और जैसे आपने बोला डील कैसे किया, डील ऐसा कुछ खास नहीं है, जैसे जितने भी लोग हैं जितने फैंस हैं वो काफ़ी प्यार करते हैं गेम को, तो जब प्लेयर अच्छा करता है तो काफ़ी प्यार मिलता है, जब अच्छा नहीं करते उन्हें भी बुरा लगता है, तो वो अपने इमोशंस को बयान करते हैं हमारे सामने, तो आई गेस उनका भी ये हक है कि क्योंकि हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया के लोग हैं, वो गुस्सा भी कर सकते हैं प्यार भी कर सकते हैं, हमें बस दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए अच्छे से। लेकिन वो हर्षदीप की सेना वाले टी शर्ट्स, भांगड़ा, आपके नाम पे गाने लिखते हैं वर्ल्ड कप में हमने देखा, वो सब चीज़ें आप सुनते हैं तो फिर उसमें कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा लगता है लोग जब अपनी फीलिंग्स को बयान करते हैं या फिर अपने इमोशंस दिखाते हैं किसी प्लेयर के रिगार्डिंग या किसी टीम के रिगार्डिंग, काफ़ी अच्छा लगता है कि आपको प्यार मिल रहा है, लेकिन मेनली यही फोकस रहता है एज अ प्लेयर एज अ टीम के आप स्टेबल रहें, चाहे आप अच्छा कर रहे हैं चाहे बुरा कर रहे हैं, आप एक प्रॉपर वे में अपने आप को कंटिन्यू करें आगे। इमोशंस काफ़ी अच्छे थे, ऐसा कुछ कह नहीं सकता कि एकदम काफ़ी हाई हो गए हैं, काफ़ी लो हो गए थे, यही था कि कुछ ज़्यादा चेंज लगा नहीं मेरे को, क्योंकि नॉर्मली ऐसे काफ़ी अपने आप को अगर मैं डिस्क्राइब करूँ तो काफ़ी फन लविंग पर्सन हूँ, तो वही कोशिश करता हूँ कि जहाँ पे भी कोई भी फॉर्मेट हो कोई भी मैच हो तो उसको इन्जॉय करने की कोशिश करूँ पूरी, और साथ में जैसे टीम का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, जितने सीनियर्स हैं या फिर साथ वाले जितने भी हैं कोचेज़ हैं तो वो ऐसा माहौल बना के रखते हैं कि आप पूरा इन्जॉय करते हैं, पूरा फन करते हैं ड्रेसिंग रूम में भी, और ऐसा कुछ प्रेशर फील नहीं हो पाता आपको, तो आई गेस काफ़ी अच्छा माहौल है उसमें। अब वनडे सीरीज आखिरी मुकाबले की बात करते हैं, बड़ा पूरे दौरे में बारिश की रही है, चीज़ें रही हैं, कितना फ्रस्ट्रेटिंग रहा और लास्ट मैच के लिए, चूंकि ये मैच जीतेंगे तो सीरीज बराबर करेंगे इंडिया, न्यूजीलैंड 2019 से सीरीज घर में हारा नहीं, हम पिछली बार भी आए थे तो एक भी वनडे मैच नहीं जीत पाए थे, उस लिहाज से क्या आप लोग का अभी मूड है जस्ट बिफोर द लास्ट गेम? पहले जैसे अपने वेदर का बोला वो हमारे हाथ में नहीं है, वो चीज़ें जो कंट्रोल नहीं कर सकते हम, तो अपना यही रहता है कि जब भी मौका मिले अच्छा करें हम, और अगर ब्रेक्स लगती भी हैं मैच में तो मेंटली हमेशा प्रिपेयर रहें,
फिजिकली हमेशा प्रिपेयर्ड रहेंगे, कभी भी गेम शुरू हो सकता है। और जैसे आपने बोला मैचेस में, तो हमारा मेन फोकस यही रहता है कि प्रोसेस अच्छा फॉलो करें अपना और प्रिपरेशन अच्छे से किया जाए। मैच का रिजल्ट जिस दिन जो टीम अच्छा खेलती है उसकी तरफ जा सकता है, लेकिन हमारी तरफ से ही कोशिश रहती है कि प्रोसेस अच्छे से फॉलो किया जाए और प्रिपरेशन में कोई कमी ना रहे और जो प्लान्स बनते हैं उन्हें मैच में एग्जीक्यूट किया जाए। जैसे पहले बोला, जैसे वनडे थोड़ा लंबा गेम हो जाता है तो उसमें पार्टनरशिप काफ़ी काम आती है, जैसे बैट्समैन की पार्टनरशिप है वैसे बॉलिंग की भी पार्टनरशिप है, तो वो ऑन अ गिवन डे देखा जाएगा। अगर उस तरह दूसरी तरफ से जो गेंदबाज बॉल डाल रहा है अगर उसको ज़्यादा हेल्प मिल रही है तो मैं इधर से रन रोकूँ और उधर से वो विकेट लेता रहे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे टीम का सक्सेस ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनल सक्सेस से। तो यही फोकस रहेगा कि उस दिन जो अच्छा किया जाए, अगर मैं अटैक कर रहा हूँ तो साथ वाला मेरे को सपोर्ट करें, या फिर दूसरा अटैक कर रहा तो मैं सपोर्ट करूं, तो यही मेन मोटो रहता है टीम का। एक सवाल, जिस दिन आपने ओडीआई डेब्यू किया, उमरान मलिक ने भी ओडीआई डेब्यू किया दोनों का, और आप लोग दोनों के स्टाइल बिल्कुल अलग है। उमरान आउट एंड आउट पेस पे जाते हैं, आप कंट्रोल पे स्किल पे जाते हैं, तो आपके लिए किस तरह, आप उमरान जब व्हेन यू बोल विद समवन लाइक उमरान मलिक, वो किस तरह की फीलिंग, हाउ डिफरेंट दैट वाज, क्योंकि अभी तक आपने बुमराह, रोहित, शमी इन सबके साथ किया है। उमरान के साथ वैसे ही माहौल काफ़ी अच्छा रहता है ड्रेसिंग रूम में भी, और वैसे भी काफ़ी उसे भी काफ़ी पसंद है मजाक वगैरह करना। और जैसे आपने बॉलिंग की बात करी तो उसमें आई गेस मेरे को काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि 155 से सीधा 135 में जब खेलने आता है बैट्समैन तो डिसीव हो जाता है पेस से, तो आई गेस काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम एक दूसरे को बॉलिंग में भी और ऑफ द फील्ड भी, और आगे भी ये कोशिश करेंगे कि पार्टनरशिप चलती रहे।